हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए PSEB बोर्ड क्लास 9th हिंदी का दोस्तों पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो ये आपका पेपर दोस्तों रियल पेपर है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें आपको दोस्तों पूर्णांक मिलेगा 40 नंबर का। पहला दिया हुआ भाग का पहला दिया हुआ, इसमें निम्नलिखित दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, हिंदी की लिपि कौन सी है? पहला दिया हुआ ऑप्शन रोमन, फारसी, देवनागरी या फिर गुरुमुखी। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी या फिर रोमन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? लिपि, भाषा, व्याकरण या फिर व्यंजन। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वर्ण के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं अपने एग्जाम में। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वर्ण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्वर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पतंग शब्द का सही वर्ण विच्छेद लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ चा प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस या प्लस आ, इन वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? फिर इसके बाद दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से पहला दिया हुआ ऑप्शन चिड़िया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चौड़िया, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चिड़ो, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चिड़िया। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुने। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती या फिर श्रीमती। जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर की आने वाला है क्लास 9th हिंदी का, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर क्लास 9th हिंदी का दोस्तों आने वाला है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 40 तक के दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है भाग गा, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिख दीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।